हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट विद एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी तो इनकम फ्रॉम सैलरी के सारे बेसिक्स हम पढ़ लेंगे असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन के जितने भी पॉइंट्स है वो सारे बेसिक्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहेंगे अगर हम इस चैप्टर की बात करें सैलरी इस तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने बेसिक से ध्यान रखनी है क्या क्या चीज़ें है देखते हैं सबसे पहले हम हेड्स ऑफ इनकम के बारे में पढ़ लेते हैं हेड्स ऑफ इनकम इज कवर्ड अंडर सेक्शन 14 मतलब टोटल फाइव हेड्स ऑफ इनकम है उसमें से सबसे पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी अगर हम इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करें तो अगर हम कहीं पर भी जॉब करते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए वहाँ से अगर हमको कुछ इनकम मिलती है तो दैट इज बीन टैक्सेबल अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम सैलरी ये बेसिक है सेकंड है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है हमारा एक घर है वी हैव अ प्रॉपर्टी और वो जो घर है हमने किसी और को रेंट पे दे दिया है और वो जो रेंटल इनकम हमको हाउस प्रॉपर्टी से मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तीसरा होता है हमारा प्रोफिट्स एंड गेंस फ्राम बिजनेस प्रोफेशन जिसको हम पी जी बी पी भी बोलते हैं दैट इज प्रोफिट्स एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इसमें हम क्या करते हैं हमारा बिजनेस होता है या फिर हम प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि सी ए आर्किटेक्ट्स लॉयर्स तो उनका जो भी इनकम होता है दैट इज बिन टैक्सेबल अंडर दियड इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस अगर हम कैपिटल गेंस की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंद देखेंगे जैसे कि एक घर है एक घर जो है वो मैंने किसी को सेल कर दिया तो दैट इज दिल रिलेटेड विद अ पार्ट और वहां से जो भी पैसे मिलेंगे वो पैसे से हम हम जो भी पैसे हमको मिलने वाले दैट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फिर अगला हेड देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अभी हमने टोटल चार हेड्स देख लिए सैलरी इनकम सैलरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैपिटल गेन इनकम पीजीबीपी और हमारा अदर सोर्स अभी हाउस अदर सोर्सेस में अगर देखें, तो अदर सोर्सेस में क्या क्या होता है पहला आपका जो है वो है जो भी इनकम टैक्सेबल नहीं है आपके सैलरी से लेके बिजनेस प्रोफेशन तक वो सारे के सारे आपके कहाँ पे जाएंगे वो सारे के सारे आपके अदर सोर्सेस में टैक्सेबल इनकम हो जाएंगे मतलब जिसके लिए कुछ भी नहीं होगा उसके लिए अदर सोर्सेस का हेड बना के रखा है अगर आपने अदर सोर्सेस की बात की तो अदर सोर्सेस में क्या होता है अदर सोर्सेस में समझो से फॉर एग्जाम्पल हॉर्स रेस से आपको पैसे मिले तो हॉर्स रेस से आपको पैसे मिले दैट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अगर आपको कार्ड गेम से पैसे मिले तो कार्ड गेम से जो भी पैसे मिलेंगे दैट इज कॉल्ड एस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अगर आपको कुछ गेम uh, से पैसे मिले क्रॉसवर्ड पजल से पैसे मिले दैट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम Other अगर कोई रियलिटी शो से आपको पैसे मिले तो रियलिटी शो से जो भी पैसे मिलेंगे इंटरेस्ट तो मिलेगा दैट इज ऑल्सो यूर टैक्सेबल इनकम एंड दैट इज टैक्सेबल अंडर दिन फ्रॉम अदर सोर्सेस तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक ऐसा हेड है जिसके लिए ये चार हेड में जो भी इनकम नहीं आता लेकिन वो इनकम है तो उसे गवर्नमेंट ने एक सेपरेट हेड में टैक्सेबल कर

ध्यान रखना है तो अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम का ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे यू कैन डाउनलोड दैट उससे आपको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे काफी सारे वहां पे प्री पी मैंने अपलोड करके रखे हैं काफी सारे पेड कोर्सेज भी है और एकदम जेन्युन प्राइज में एकदम नॉमिनल प्राइज में वन में, में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा जिसमें सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे लाइव सेशंस मिलेंगे प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे जस्ट फॉर रूपीज वन नाइन्टी नाइन ताकि आपको अपने प्रिपरेशंस में और हेल्प हो सके तो शुरू करते हैं सैलरी के बारे में पढ़ना इनकम फ्रॉम सैलरी अगर हम देखें इनकम फ्रॉम सैलरी के कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे नंबर वन इनकम फ्रॉम सैलरी हम कब मान सकते हैं तो व्हेनेवर देर इज़ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा और वहाँ से अगर कुछ पैसे मिलते होंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होगा तो फिर अगर कुछ पैसे मिलेंगे तो वो हम सैलरी इनकम में टैक्सेबल नहीं करेंगे तो आपको पहला बेसिक ये याद रखना है कि देर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप और देर शुड बी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है देन ऐसे इनकम को हम इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के अंदर टैक्सेबल करते हैं फिर सेकेंड पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दैट इज रेम्युनरेशन अर्ड बाय एम्प्लॉय डायरेक्टर्स इज टैक्सेबल अंडर सैलरी वेर एज रेम्यूनरेशन अर्नड बाय नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर्स इज टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्सेज अगर कोई आ, ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर है जैसे कि डायरेक्टर पार्ट टाइम फुल टाइम हो सकता है तो अगर हम एम्प्लॉयी जो ऑर्गेनाइजेशन का है वही डायरेक्टर बन गया है तो ऐसे केस में वो सैलरी इनकम में आ जाएगा और अगर कोई नॉन एम्प्लॉय है और वो अगर कंपनी का डायरेक्टर की रोल प्ले कर रहा है तो ऐसे केस में उसको हम टैक्सेबल तो करेंगे लेकिन दैट विल बी अंडर दी हेड अदर सोर्स फिर सैलरी पेड बाय पार्टनरशिप फॉर्म टू इट्स पार्टनर्स इज टैक्सेबल अंडर दी हेड पी तो आपको याद रखना है अगर सैलरी पे किया है एक पार्टनरशिप फर्म ने उनके पार्टनर्स को तो वो सैलरी इनकम नहीं है वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल हो जाएगा तो एकदम सिंपल है ज़्यादा डिफिकल्ट चीजें डिस्कस नहीं करेंगे एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि व्हाट इज सैलरी इनकम सैलरी इनकम में एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है देर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप या देर शुड बी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है तो वहाँ से जितनी भी इनकम अर्न होगी दैट विल बी कंसिडर एज इनकम फ्रॉम सैलरी आगे बढ़ते हैं अभी सेक्शन फिफ्टीन सेक्शन सिक्सटीन और सेक्शन सेवनटीन ऐसे तीन सेक्शंस हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं तो अगर हम ध्यान से देखें तो चार्जिबिलिटी सेक्शन है फिफ्टीन अभी फिफ्टीन सेक्शन कहना क्या चाहता है सेक्शन नंबर फिफ्टीन ये कहना चाहता है कि सैलरी कैसे टैक्सेबल होगा सैलरी विल बी टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ टू पॉइंट्स इट विल बी एवर इज अर्लियर मतलब सैलरी ड्यू हुआ है या सैलरी रिसीव हुआ है तो हमने कहा कि सैलरी ड्यू हुआ है लेकिन हमें अब तक सैलरी मिला नहीं तो ऐसा रूल नहीं है रूल काफी सिंपल है सैलरी इफ इट इज ड्यू और सैलरी इफ इट इज रिसीव तो चार्जेबिलिटी सेक्शन क्या कहता है कि 15 basis, तो आपको के लिए ये सारी चीजें आपको छोटे छोटे एमसी में भी पूछी जा सकती है कि सेक्शन 15 क्या आप बताना चाहता है सेक्शन 15 स्पेसिफाइज दैट सैलरी विल बी टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू बेसिस या रिसिड बेसिस विचेवर इज अर्लियर सैलरी ड्यू हुई लेकिन मिली नहीं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ड्यू हुई लेकिन मिली नहीं तो टैक्सेबिलिटी नहीं होगी ऐसा नहीं है काफ़ी सिंपल रूल है ड्यू हुई मतलब रिसिव होगी तो ड्यू बेसिस पे भी टैक्सीबिलिटी अराइज होती है और रिसिव बेसिस पे भी टैक्सेबिलिटी अराइज होती है लेकिन रूल कहता है विचेवर इज अर्लियर तो हमारा सबसे पहला सेक्शन इस पूरे इनकम फ्रॉम सैलरी में से है चार्जेबिलिटी सेक्शन एंड दैट इज सेक्शन अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले ताकि आपको इससे बेनिफिट मिल पाए टेलीग्राम का चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में सबका देकर रखा है, ताकि आपको बेनिफिट हो पाए चलो अगले सेक्शन में जाते हैं अगले पॉइंट में जाते हैं अगले कंसेप्ट में जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज बेसिक सैलरी ये बार बार यहाँ पे आने वाले कंसेप्ट से देखो बेसिक सैलरी में दो चीज़ें कवर होती है एक होता है हमारा ग्रॉस सैलरी एक होता है नेट सैलरी ठीक है लेकिन ये दो दो जो चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक में ग्रॉस और नेट सैलरी में तो ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी में क्या क्या चीज़ें कवर होती है क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एक तो ग्रॉस सैलरी के बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं या तो एक तो नेट सैलरी के बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज इंक्लूडेड इन सैलरी सैलरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है अगर मैं कहूँ सैलरी तो आप क्या कहोगे सैलरी मतलब रेम्यूनरेशन सैलरी मतलब पैसा सैलरी मतलब एनी काइंड ऑफ मॉनिटरी कंसिडरेशन रिस फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेस फ्रॉम द एम्प्लॉयी टू दी एम्प्लॉयर लेकिन सैलरी में एक्चुअली कवर क्या क्या होता है तो सैलरी में एक्चुअली कवर होता है बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विजिट्स प्लस प्रॉफिट्स इन ली ऑफ सैलरी देखो अलाउंसेस को कैसे याद रखना है उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा वहाँ से वो देखें आपके सारे अलाउंसेस फिंगर टिप्स पे होंगे और आप सब अलाउंसेस को इजीली याद रख सकोगे तो दो टाइप के कंसेप्ट है एक आपका ग्रॉस सैलरी का एक आपका नेट सैलरी का नेट सैलरी में क्या होता है ऑलरेडी कुछ अलाउंसेस ऐड करके आपको दे दिया है तो उसके बेसिस पे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा तो सैलरी इंक्लूड्स व्हाट सैलरी विल इंक्लूड बेसिक सैलरी सैलरी विल आल्सो इंक्लूड दी अलाउंसेस बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेस कंपनी देता है परक्विजिट्स परक्विजिट्स का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय जैसे कि एक कार फैसिलिटी दिया है पेट्रोल या डीजल का पैसा कंपनी भर रहा है फिर प्रॉफिट्स इन ली ऑफ सैलरी का मतलब होता है प्रॉफिट्स इंस्टेड ऑफ सैलरी तो सैलरी में ये सारी चीज़ें कवर होती है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में अब ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना तो वी हैव कवर्ड अप टिल नाउ सेक्शन फिफ्टीन सेक्शन फिफ्टीन में क्या बताया मैंने आपको सेक्शन फिफ्टीन हमारा चार्जेबिलिटी सेक्शन है सेक्शन फिफ्टीन क्या कहता है सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू बेसिस और रिसीड बेसिस विच एवर इज अर्लियर ठीक है उसके बाद हमने सैलरी में क्या क्या चीजें आती है वो पढ़ लिया अभी हम सेक्शन सिक्सटीन में जाते हैं पहला सेक्शन कौन सा था सेक्शन फिफ्टीन नाउ दिस इज सेक्शन सिक्सटीन दैट इज डिडक्शंस नाउ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिडक्शन जो आपको याद रखना है सबसे पहला जो डिडक्शन है दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिडक्शन आगे हम फॉर्मेट को भी डिस्कस करते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन से सेक्शन में कवर है इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 रूल क्या कहता है ग्रॉस सैलरी और ₹50000 व्हिच एवर इज लेस हमेशा आपको याद रखना है कि ग्रॉस सैलरी की जो भी अमाउंट रहेगी वो या फिर पचास हजार की अमाउंट कंपनी के तरफ से गवर्नमेंट के तरफ से फिक्स रूल है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में पचास हजार से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकता और अगर आपका ग्रॉस सैलरी जो है वो पचास हजार से ज्यादा होगा तो तो रूल तो सिंपल है विच एवर इज लेस तो आपको डिडक्शन्स में एक ही रूल याद रखना है एवर इज लेस अगर दो अमाउंट रहेंगे तीन अमाउंट रहेंगे चार अमाउंट रहेंगे कितने भी अमाउंट रहने दो आपको एक ही रूल याद रखना है एवर विल बी लेस तो वॉट एवर इज लेस वी विल बी कंसिडरिंग दैट अमाउंट फॉर डिडक्शन तो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन का पहला कंसेप्ट है तो गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा रूल कहता है ग्रॉस सैलरी और रुपीज फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज लेस याद रखना है ग्रॉस सैलरी की अमाउंट हम लेंगे या फिर थाउजेंड की अमाउंट लेंगे is less. ये हमारा पहला सेक्शन सिक्सटीन सेक्शन वन फिर हमारा जो सेकेंड सेक्शन है दैट इज सिक्सटीन सेक्शन टू ये है हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन टू थाउजेंड टू के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसका डिडक्शन मिलना स्टार्ट हो गया था तो बेसिकली अगर हम एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करें तो ये जो डिडक्शन है दिस डिडक्शन इज ओनली अलाउड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको ध्यान रखना है तो ये किसको अलाउड है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही अलाउड है ठीक है किसको अलाउड है ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही ये डिडक्शन अलाउड होगा तो आपको ध्यान रखना है अगर प्राइवेट एम्प्लॉय रहा तो प्राइवेट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलता लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है उसके लिए तीन रूल्स है तो मैंने अभी आपको बताया था कि डिडक्शन का एक ही फंडा आपके दिमाग में फिक्स रखो एंड दैट इज विच एवर इज लेस तो तीन रूल आपको ध्यान रखने हैं रूल नंबर वन एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड मतलब जितना उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है वो हम फर्स्ट पॉइंट में लेंगे सेकेंड हमारा है वन फिफ्थ ऑफ बेसिक सैलरी तो वी विल बी काउंटिंग द वन फिफ्थ ऑफ द बेसिक सैलरी जो भी उसकी बेसिक सैलरी होगी उसका हम वन फिफ्थ काउंट कर लेंगे तो वन फिफ्थ काउंट करने के बाद आपको जो भी अमाउंट आएगी वो आपका पॉइंट नंबर टू हो जाएगा और पॉइंट नंबर थ्री है गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स लिमिट डिसाइड करके रखी है दैट इज मैक्सिमम लिमिट इज रूपीज फाइव थाउजेंड

गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है ये डिडक्शन प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं मिलता अभी हम हमारे तीसरे पॉइंट में जाते हैं तीसरे डिडक्शन में सेक्शन सिक्सटीन सब सेक्शन थ्री तो दिस डिडक्शन इज अलाउड फॉर बोथ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो जो भी आपका प्रोफेशन टैक्स होगा वो आपके सैलरी में से कटेगा प्रोफेशन टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी एम्प्लॉयमेंट टैक्स तो अगर ढाई हजार के बेसिस पे प्रोफेशन टैक्स कटता है दो सौ रुपया पर मंथ और दो हजार चार सौ पूरे साल का उस बेसिस पे प्रोफेशन टैक्स आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा और जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपके सैलरी में से उतना टैक्स काट लेगा और एम्प्लॉयर विल बी पेइंग ऑन यूहर यूर, यूर बिहाफ टू गवर्नमेंट दैट विल बी द प्रोफेशन टैक्स तो सेक्शन सिक्सटीन so में हमारे तीन डिडक्शन्स हैं नंबर वन स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसके लिए आपको याद रखना है ग्रॉस सैलरी की अमाउंट या फिर फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज लेस सेकेंड uh, पॉइंट है हमारा सेक्शन सिक्सटीन टू एंटरटेनमेंट अलाउंस जिसमें तीन रूल याद रखने हैं एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव नंबर सेकेंड वन फिफ ऑफ बेसिक सैलरी नंबर थर्ड मैक्सिमम लिमिट रुपीज फाइव थाउजेंड विच एवर इज लेस इज डिडक्टेड लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही सिर्फ इसका डिडक्शन मिलता है फिर अगला हमारा पॉइंट है प्रोफेशन टैक्स अंडर सेक्शन सिक्सटीन थ्री दिस इज अलाउड टू बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एम्प्लॉय आई होप दिस सेक्शन 16 इज क्लियर टू यू एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को आप नीचे लाइक करें ताकि ये वीडियो जो है बहुत लोगों तक पहुंचे और उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में ये जो फॉर्मेट है थोड़ा डिस्कस कर लेंगे एक बार कि सैलरी काउंटिंग का कैसे फॉर्मेट है तो देखो अभी हमने सेक्शन फिफ्टीन डिस्कस कर लिया दैट इज चार्जेबिलिटी सेक्शन उसके बाद हमारा सेकेंड कंसेप्ट आया सेक्शन सिक्सटीन दैट इज द डिडक्शन्स अभी हम फॉर्मेट ऑफ सैलरी को देखते हैं कि सैलरी में क्या क्या आता है तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि सैलरी में वी हैव बेसिक सैलरी वी हैव अलाउंसेस वी हैव पर्क विजिट्स वी हैव प्रॉफिट्स इन ली ऑफ सैलरी वी आल्सो हैव एरियर्स ऑफ सैलरी एडवांस सैलरी तो ये सारी चीजें जो है इन सभी को अगर आप प्रॉपरली इन सभी चीजों को अगर आप ऐड करते हो तो हमें जो भी आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस सैलरी तो इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं ग्रॉस सैलरी और ग्रॉस सैलरी में से हम क्या करेंगे हम डिडक्शंस को माइनस करेंगे जो अभी हमने कर लिया सेक्शन 16 तो तीन डिडक्शंस मैंने आपको बताया सेक्शन 16 वन दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन सिक्सटीन टू दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस बट एंटरटेनमेंट अलाउंस इज ओनली अलाउड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेक्शन सिक्सटीन थ्री दैट इज प्रोफेशन टैक्स दिस कैन बी अलाउड फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट तो ये जो ग्रॉस सैलरी आपको मिली है इस ग्रॉस सैलरी में से ये अगर आप सब कुछ माइनस कर दोगे तो फिर आपको फाइनल आंसर मिलेगा एंड दैट फाइनल आंसर इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरीज इसी फाइनल आंसर को हम कहेंगे इनकम फ्रॉम ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू तो सेक्शन फिफ्टीन हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन सिक्सटीन डिडक्शन हमने डिस्कस कर लिया तो so, ध्यान से आपको याद रखना है सेक्शन फिफ्टीन सेक्शन सिक्सटीन ये हमारे बेसिक है और अगर हम सेक्शन सेवनटीन की बात करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ काफी सिंपल है सेक्शन सेवनटीन जो है दैट इज बिन रिलेटेड विद दर्कविज इट्स Perquisites का मतलब क्या होता है एनी काइंड ऑफ एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइडेड बाई द एम्प्लॉयर टू दी एम्प्लॉय दैट इज कॉल्ड ए सेक्शन सेवनटीन तो तीन कंसेप्ट है तीन सेक्शन है इस पूरे चैप्टर में दैट इज सेक्शन फिफ्टीन चार्जेबिलिटी सेक्शन सेक्शन सिक्सटीन डिडक्शंस सेक्शन सेवनटीन विद डील विद दर्कविजेट उसमें फिर सेवनटीन वन सेवनटीन टू ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं तो ये ओवरऑल बेसिक्स है आपके सैलरी चैप्टर में से आई होप दिस बेसिक्स ऑफ सैलरी चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो देट आई कैन अंडरस्टैंड आपको ये सारी चीजें क्लियर है तो फ्रॉम दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको अगले नोटिफिकेशन के बेसिस पे टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहेंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर